दर्शकों, उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दोनों जिलों ने कमर कस रखी है, कहीं से कहीं तक भी दूसरे प्रत्याशियों को जीतने का मौका नहीं दे रहे, कमर कसी हुई है। करावल नगर जिले के अंदर इस समय हमें जहां बाबरपुर जिला ने भी कमर कसी हुई है, वहां करावल नगर जिला भी डिस्ट्रिक्ट पीछे नहीं है, कमर कसी हुई है। हमारे बीच में दिग्गज नेता और कार्यकर्ता बीच में है, इनसे बात करते हैं कि कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे। मेवाराम जी, सबसे पहले आप बताएं कि क्या माहौल चल रहा है शीला दीक्षित के लिए। राहुल जी, भारत टीवी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज शीला दीक्षित को प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर पूर्वी बनाया है और वो एक, मैं समझता हूँ, पूरी दिल्ली में सबसे पहले विनर अगर कोई है तो शीला दीक्षित है जी। और हम सब कांग्रेसी, कांग्रेस जन परिवार और कांग्रेस के परिवार के लोग ही नहीं, दूसरे पार्टी के लोग भी उनसे प्रभावित, उनके कार्य से प्रभावित होने पर हमारे साथ हैं जी। और बिल्कुल तन मन धन से साथ हैं, 100% शीला जी जीतेंगे, ये मैं आपसे बोलूँगा। कोई भेदभाव वगैरह? भेदभाव सब खत्म है, शीला जी के आने पे सब भेदभाव खत्म, गुटबाजी खत्म। मैं जब ये कह रहा हूँ, दूसरी पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े होकर कंधे कंधा मिला के बात कर रहे हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं, फिर हमारा भेदभाव तो कहीं रहने का मत। क्या उम्मीद लग रही है दिल्ली के अंदर? दिल्ली की 7 सीटें जीत रही कांग्रेस शीला जी के टिकट मिलने के बाद। क्या कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है? मुंगेरी लाल के सपने कांग्रेस का भी। इतना काम करा है, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी ने, मोदी सरकार ने। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 15 साल में शीला जी विकास देवी है दिल्ली की, उसके इनके केजरीवाल सरकार पर तो सफेदी तक नहीं हो पाई। 5 साल में मोदी सरकार ने काम नहीं करा, मोदी सरकार तो जुमलेबाज सरकार है, तो झूठा भाइयों बहनों को भगाता रहा, क्या किया ना, 15 लाख मिले ना कोई मामला, 10 सीट लाएंगे, हमारे रोज मरने लग रहे, हमारे जवान शहीद हो रहे, कहाँ कहाँ है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रही है कुछ सरकार? कुछ नहीं कर रही है, सब जुमलेबाजी है। अभी जमीन पे कुछ नहीं उतरा, कुछ भी नहीं हुआ, बेकार। जनधन योजना पे काम कर रही है, मुद्रा लोन पे मैं करूँ सारे कर रहे, लोगों के खाते खुलवा दिए। अब वो जो जीरो बैलेंस, महिला इतनी खुश है राहुल जी, 1 मिनट, जीरो बैलेंस के जो खाते खुलवाए थे उनके ATM बंद हो चुके, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। अब उनको कह रहे 5,000 रुपए वाला खाता बनेगा तब आपके ATM काम करेंगे। महिलाओं की बात करें, पहले धुआं के अंदर आंखें खराब होती थी, शरीर खराब होता था, अब गैस लग गई है दिल्ली में, धुआं हम दिल्ली की बात करें, धुआं कहाँ की बात करें, यहाँ धुआं था ही नहीं, यहाँ तो गैस पहले से ऑलरेडी थी। देश की बात में उन लोगों को एक बार 1600 रुपए का सिलेंडर दे के अब 1000 रुपए में सिलेंडर भरते, कहे लकड़ी ठीक थी अपनी, तो भाई कहाँ से लाए 1000 रुपए, खर्चा चलता है 1000 रुपए तो परिवार का, अब उनको तो क्या सिलेंडर भरवाओ, मार दिया उन लोगों को तो सिलेंडर दे। नहीं आ रही मोदी सरकार, कुछ नहीं है, खत्म। जोशी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? शीला दीक्षित जी के आने से जो गुटबाजी थी हमारे जिला उत्तरी पूर्वी दिल्ली में जी। वो एक तो सबसे बड़ा काम ये हुआ, क्योंकि गुटबाजी खत्म, और जो कांग्रेस जन जो पुराने थे जी। वो बैठ गए थे, आज वो आ गए हैं साथ एक मंच पे, और कुछ लोग जो बीजेपी से नाराज हैं जी, जो मोदी जी की कार्यशैली से नाराज हैं जी, वो भी शीला जी को वोट दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है मोदी की कार्यशैली से नाराज कौन है, क्यों मोदी की कार्यशैली से नाराज ये है कि मोदी जुमलेबाज है, जो 2014 में इसने वादे किए वो कि भाई कांग्रेस के ज़माने में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और ये पैसा विदेशों में गया है, लेकिन और मोदी सरकार की अगर सर्जिकल स्ट्राइक क्या हजम नहीं हो रही? सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं जी। सर्जिकल स्ट्राइक तो मनमोहन सिंह की UPA की सरकार में भी हुई थी, हमने तो कभी नहीं कहा। ये सर्जिकल स्ट्राइक करके और पुलवामा करने के बाद ये वोट बटोरना चाहता है। भारत का गौरव इतना विश्व में जय जयकार, भारत का गौरव पहले भी था, आज दिखाने से कुछ नहीं होता। चाइना पे देख लो कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान के देख लो कुछ नहीं हुआ, रोज हमारे जो सैनिक हैं उनकी शहादत हो रही है तो कुछ नहीं हुआ। आज स्वच्छता अभियान आपको अच्छा नहीं लग रहा? इनकी विदेश जो पॉलिसी है वो स्वच्छ भारत अभियान कुछ नहीं है, पहले भी था, हमने शुरू किया था कि हर जो गाँव में लैट्रिन की व्यवस्था करने का काम UPA सरकार ने किया था। ये सब दिखावा कर रहा है, कांग्रेस ने कभी दिखावा नहीं किया, और कांग्रेस काम करने में विश्वास करती है, और कांग्रेस सब समाज को साथ लेकर काम करने का काम कर रही है। छवि साहब, आप क्या कहना चाहेंगे?
आप बताओ, मैं पुलिस बाज के बारे में बात करूं या जुमलेबाज के बारे में? जुमलेबाज दोनों के बारे में हम पूछ रहे हैं। देखो ऐसा है, सबसे पहली बात है कि हम जीत रहे हैं 700 सीटें। दिल्ली की जनता ने सबसे पहले तो ये है कि जो कांग्रेस की वोट कट रही थी, आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि वो दो बातों पर ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है कि मैंने स्कूल चमका दिए, हॉस्पिटल चमका दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बना कितने दिए? बच्चों का 9th का और 11th के रिजल्ट बताते क्यों नहीं? कितने फेलियर हो रहे हैं? जुमलेबाज की बात रही, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करता? वो महंगाई की बात क्यों नहीं हो रही है? रोजगार की अगर आप बात कर रहे हैं तो ओला उबर जोमेटो स्वैगी कौन काम कर रहा है? किसका? ओला उबर गाड़ी वगैरह कौन? बच्चे ही चला रहे हैं ना? नहीं, ये बच्चे चला रहे, इसे रोजगार कह रहे हो क्या? ये रोजगार है क्या? गवर्नमेंट की इतनी सारी नौकरियां थी, उनका क्या हुआ? ठेकेदारी प्रथा खत्म करने वाली बात हुई थी, उनका क्या हुआ? आज भी ठेकेदार के वहां से तनख्वाह क्या चलती है और कर्मचारी को क्या मिलती है, उसका क्या हुआ? कांग्रेस के जमाने में कहते थे 15 पैसे पहुंचते हैं, आज तो 15 पैसे भी नहीं पहुंच रहे। गंगा यमुना सफाई नहीं दिख रही आपके? कौन सी सफाई की है बताओ तो सही। गंगा जी आज भी जैसी थी वैसी की थी, उसके नाम पे बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, इस मीडिया का क्या करे जो इसमें कुछ दलाल बैठे हैं, कहते हैं अपना चैनल चलाना है और वो उसी की केवल फेवर की बात करते हैं, हमें तो दिखाना भी पसंद नहीं करते सच्चाई पे। कांग्रेस की बात करें तो मैदान छोड़ छोड़ करके मोदी सरकार में शामिल हो रहे हैं। कौन कहता है? दिल्ली में देखो ना, बाढ़ लगी हुई आम आदमी और बीजेपी से आने वालों की। भीषम शर्मा को निकाल दिया गया है, जो छुप छुप के मिलते थे, हम उन लोगों को पूरी तरह से निकाल दिया है। हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी लोकसभा की। इस लोकसभा की बात करें, कहां जा रहा है लोकसभा का? हम 2 लाख वोटों से इस लोकसभा को जीत रहे हैं। प्रियंका जी रोड शो करने आ रही है, पूरा टोटल जो मुस्लिम समुदाय था कांग्रेस के साथ खड़ा है, दलित समुदाय कांग्रेस के साथ खड़ा है, श्रवण समाज कांग्रेस के साथ खड़ा है। कौन वोट देगा? सफाई कर्मचारी जिनके लट मारे, सफाई का तो नाम लेते हैं, उनको लट वो देंगे? डीटीसी को कहा था हम रेगुलाइज करेंगे, उनको वो देंगे? नर्से वोट देंगी या वो टीचर्स वोट देंगे जिनको धोखा दिया, जिनको कहा था मैं आपको ऑथराइज कर दूंगा? कौन वोट दे रहा है आज आम आदमी पार्टी को, आप बताओ तो सही। चुनाव ईमानदारी से हो रहा है? अच्छा भी साहब देखिए सुनो, हम पूरी तरह से एक बात बता देते हैं कि जो मीडिया में भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये धोखेबाजी तो करा, लेकिन करने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। ईवीएम मशीन पे चुनाव हो रहा है? ईवीएम मशीन पे चुनाव हो रहा है, हमें लगता है कि धोखेबाजी कहीं ना कहीं ये करने पे लगा हुआ है, क्योंकि इसके पास 5 साल में विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। वोट नहीं मिल रहा तो आप कह रहे हो कि गुमराह कर रहे हैं? नहीं, हमें वोट मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में वोट मिल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में वोट मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को वोट मिल रहा है। राहुल जी प्रियंका जी हो रही है। आज सोशल मीडिया पे बात करें, चौकीदार मैं भी। देखिए उन्होंने कहा कि राहुल जी ने ये बोल दिया, एक छोटी सी बात है लोगों तक पहुंचाने वाली बात, कि जोश में एक बात कह दी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकीदार चोर है, जबकि हमारा ध्येय ऐसा कहने का नहीं था, हमने तो ये कहा था चौकीदार ही चोर है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका उसने कैसे मान लिया कि मैं ही चोर हूं? उसने सबको कहा फिर सारे चोर हो जाओ। पहले सुनिए, पहले सबको सफाई के नाम पर सफाई कर्मचारी बनाया, फिर चौकीदार के नाम पर सबको चौकीदार बना दिया। क्या क्या बना के छोड़ेंगे? हम ये कहते हैं देश के नागरिक को पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं तो रोजगार तो दे रहे हैं। बिल्कुल, पकौड़ा तलने के MBA करने के बाद यही देश का भविष्य होना है क्या? मैं कह रहा हूँ एक MBA करने वाले बच्चे को पकौड़ा तलने की बात कह रहा है, पकौड़ा लो तो फिर इसकी रोजगार का कहां चली गई? वो गारंटी है जो कहते हैं मैं रोजगार दूंगा 2 करोड़ क्या करूंगा? झूठ बोलते हैं, और झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि जिसको जना साबित करने के लिए सारी मीडिया सारे पार्टी के लोग उसमें लगाते हैं, और देश का प्रधानमंत्री हो गए वो ये बात कहता है कि भाई मैं चौक चुमा, सब ने कह दिया मैं हम सारे चौकीदार हैं। चौकीदार है तो फिर तनख्वाह 9,000 ले लेना। जिनको पकौड़े तलवार, वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटर से ये अपील करना चाहूंगा कि आज आपके बीच में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें शीला दीक्षित जी ऐसी कैंडिडेट मिली जिसने दिल्ली पे 15 साल राज किया और दिल्ली को आगे विश्व का दर्जा, विश्व की जो सिटी है उसको बनाने का काम किया। शीला जी जो आपके बीच में रहेंगी, हमारे बीच में रहेंगी, यहाँ जो भी परेशानी है, यहाँ न हॉस्पिटल है, न कोई अपना स्कूल है, न कॉलेज है बच्चों के लिए, वो व्यवस्था शीला जी के आने से सेंट्रल स्कूल जिसकी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। हम अपील करेंगे सभी जनता से कि वो शीला जी को जिताए और सेंट्रल स्कूल हम यहाँ पर लाने का काम करेंगे।
जी बहुत भारी मांग थी हमारे एरिया के लोगों की कि यहाँ पर स्टेशन होना चाहिए, कांग्रेस ने स्टेशन दिया, हमें एक इस एरिया को ऐतिहासिक बनाना था, सिग्नेचर ब्रिज बना के दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ उस एक हॉस्पिटल बताओ जो केजरीवाल ने बनवाया हो। सिग्नेचर ब्रिज तो मोदी सरकार ने दिया है, ये तो झूठ के सिवा इसके सिवा हो क्या? आप भी मीडिया वाले नहीं जानते क्या? हमारे पास कबोली हाल्ट की बात कर रहे हैं, वो भी मोदी सरकार ने दिया। ये तो झूठ है, हम यही तो कहना चाहते हैं मीडिया वालों को। स्कूल की बात कर रहे हैं आप, सेंट्रल स्कूल की, वो भी मोदी सरकार ने। ये केवल और केवल एक झूठ है, जुमलेबाजी है, जो लोगों तक, युवाओं तक नहीं पहुंच रही। सच्चाई जानिए, नेट खोलिए और देखिए किसके बजट से किसने क्या काम करा। और जब लोग जान जाएंगे, इस बात को पहचान जाएंगे, अब तो लोग कहने लगे हैं कि एक काम बताओ और वोट ले जाओ। क्यों नहीं आते मैदान में वोट मांगने के लिए? क्यों जनता का खून चूसा है कांग्रेस ने बिलों के? अगर दिल्ली की बात करें तो यही शीला दीक्षित थी जो बिजली के बिल के लिए कहती थी कि बिजली नहीं चला सकते तो बंद कर दो। 2 महीने का बिल आता था, ठीक है, ऐसा लगता था भारी, वही चीज करके 1 महीने में कर दी थी। मैं आपके महीने से पूछना चाहता हूँ, क्या बताओ, क्या सब्सिडी तब नहीं मिलती थी 400 यूनिट तक? और आज इसने नया क्या कर दिया? बल्कि इसने सब्सिडी तो इतनी रखी। कांग्रेस को लाना है अब। कांग्रेस तो आ चुकी है, स्वागत कर रही है जनता कांग्रेस का, शीला जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जनता स्वागत कर रही है। तराई तराई मच गई थी, बेरोजगारी की बहुत बुरी हालत थी 2012 के बाद से, उसके बाद 14 में जिस तरह से इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत जीत हासिल की, झूठ बोलकर जीत हासिल की, आज क्या सोच रहे लोग? खोली मीडिया से, मीडिया में भी लोग चैनल बंद कर देते हैं कि झूठे आए हुए झूठ बोल रहे हैं, झूठे।